कहाँ हम कहाँ तुम। भाभी, जो पेपर्स आपने रेडी करने के लिए कहा था वो ये रहे, एक बार पढ़ लीजिए। दीपा, इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डाला या नहीं? हाँ, उससे केस जल्दी खत्म हो जाएगा। भाभी, मुझे लगता है आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। मेरा डिसीजन फाइनल है। निशिदी, मुझे नहीं लगता है पेपर्स पढ़ने के बाद रोहित इन्हें एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, रोहित एक्सेप्ट करेगा। मॉम, पापा ठीक तो है ना? हाँ मॉम, पापा ठीक है ना? नरेन ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ रोहित। ऑफ कोर्स मॉम, काम डाउन, आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरा बीपी ठीक है रोहित। रोहित, तुम जानते हो मेरे लिए मेरा परिवार कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें मेरी जान बचती है, और तुम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मॉम, आई अंडरस्टैंड। जो भी करना है बताइए, मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी कमिट करने से पहले एक बार सोच लो रोहित, क्योंकि आजकल तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सोनाक्षी। सोनाक्षी भी ये जानती है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। ट्रस्ट मी। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। रोहित, मैं चाहती हूं कि तुम सोनाक्षी को अपनी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, सिप्पी मैंशन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। लेकिन लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है रोहित, अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें चूज करना है, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, मां से क्या बीवी से? ऑब्वियसली आप। सोना वाइफ है मेरी, ने शादी करके उसे हमारी फैमिली का हिस्सा बनाया मॉम। नहीं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है रोहित। उसकी वजह से आज नरेंद्र वेंटिलेटर पे है, उसकी वजह से हमारे घर का एक एक रिश्ता टूट गया है। नो, उसने निशी को मर्डरर कहा है। यू टेल मी, निशी इज अ मर्डरर? निशी बुआ इज, एक बटन ऑफ करूंगी ना तो तुम्हारा बाप ऑफ। और फिर सोचो बीना भाभी की क्या हालत होगी, उनका तो हार्ट फेल हो जाएगा। भाभी, आपने मुझे बुलाया? एक मिनट निशी, तुम कुछ कह रहे थे ना निशी के बारे में? निशी क्या रोहित? मुझे लेकर? हाँ रोहित, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? रोहित, तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले ही खराब हो चुका है। अगर तुम इस डिवोर्स पेपर पे साइन करोगे, शायद हमारा रिश्ता ठीक होने की गुंजाइश है। बट द चॉइस इज योर्स। अगर नहीं करना है साइन तो सोच लेना, मां मर गई तुम्हारे लिए। मॉम, choice is yours Rohit. और कितना झूठ बोलोगी तुम सोनाक्षी? अभी वाइके को ब्लेम कर रही है, उसके बाद कल मुझे करेगी, है ना? तुम्हें परखने में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने सोनाक्षी। नरेन भाई तो मुझे बहुत पसंद थे, फिर भी मैंने उनका ये हाल किया। तुम सोचो सोनाक्षी के साथ मैं क्या
करूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम कुंडली काक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कुंडली काक्ष मंगलाय तनोहरि। रोहित एक बार ये पेपर्स पढ़ तो लो, डिवोर्स के ग्राउंड्स तो पता कर लो। पढ़ने से जिंदगी वापस तो नहीं आ जाएगी ना निशी बुआ? आपके लिए कुछ भी मॉम। भाभी रोहित भी आ गए। हाँ रोहित, तुमने सबको बुला लिया तो तुम सबको बताना चाहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। रोहित क्या बात है? रोहित तुम तो भरोसा करते हो ना मुझ पे? रोहित कुछ बोलो, क्या बात है? रोहित मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझ पे पूरा भरोसा है तुम्हें। कहीं तुम्हें किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया है ना? तुम्हें वाकई लगता है कि रोहित तुमसे प्यार करता है? सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम... मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है, मैंने नहीं। स्टॉप इट। इतना सब हो जाने के बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बेकसूर हो? मामा। नो मामा, मुझे मामा मत बोलना, क्योंकि मामा बोलने का हक तुम खो चुकी हो। अब मेरे साथ और इस घर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रोहित थोड़ी तो शर्म करो सोनाक्षी, हमारे रोहित का फैसला बिल्कुल सही है। तुम दोनों बहनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित कुछ बोलो। तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सोनाक्षी। या तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? रोहित भरोसा करते हो ना? यकीन है?
ये मेरा जवाब है सोनाक्षी। हम